डिस्कस किया था रोलिंग मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज दैट ये स्मूथ सरफेस है, इस स्मूथ सरफेस पर ये हॉलो स्फीयर प्लेस्ड है और हम फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने सेम टाइप का क्वेश्चन किया था, सरफेस रफ थी, अप्लाइड फोर्स की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर आया था हॉलो स्फीयर के केस में। नाउ इन दिस केस ये स्मूथ सरफेस है, तो इस केस में कोई फ्रिक्शन नहीं। क्वेश्चन इज लाइक दिस कि इस होलो स्फीयर का मास m और रेडियस r है, हमने ये फोर्स अप्लाई किया है। द टाइम इंटरवल इन विच इट विल कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स सी ओ एम, उतनी देर में इसका सी ओ एम कितना आगे ट्रांसलेट कर जाएगा। ओके तो ये क्वेश्चन भी जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे कि ट्रांसलेटरी मोशन आप अलग डिस्कस करो, रोटेटरी मोशन आप डिस्कस करो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, सेम वे में हम प्रोसीड करेंगे। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए, तो ये रहा फोर्स आगे की ओर एफ, दिस एफ विल बी इक्वल टू एम टाइम्स ए सी। इसके अलावा अगेन एम जी और एन, दे आर जस्ट बैलेंसिंग ईच अदर। टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, तो टॉर्क आ गया एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, आई की वैल्यू 2/3 mr² अल्फा। ए सी और अल्फा में अभी कोई वो स्टैंडर्ड रिलेशन ए सी इक्वल टू अल्फा आर जैसा नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट प्योर रोलिंग मोशन। तो इन दिस केस आर ये कैंसल, अल्फा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ रही है 3f/2 mr, तो ए सी मिल गया, अल्फा मिल गया। ट्रांसलेटरी मोशन डिस्कस करना है, इसे यूज करेंगे। रोटेशनल मोशन डिस्कस करना है, इसे। नाउ द क्वेश्चन इज द टाइम इन विच इसका वन रोटेशन कंप्लीट हो गया, मतलब दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट इट वॉज हेयर, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद अगेन ये कॉन्टैक्ट पॉइंट वापस नीचे आ गया सेम पॉइंट। एक कंप्लीट रोटेशन हुआ, क्योंकि अल्फा कॉन्स्टेंट है, तो जैसे एस इज ut/2 ae², वैसे रोटेशनल मोशन के लिए वी कैन यूज थीटा इक्वल्स ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इन दिस केस ओमेगा नॉट जीरो, इनिशियली देर इज नो एंगुलर वेलोसिटी, तो ये वैल्यू जीरो है, तो थीटा की जगह आ गया 2π, एक कंप्लीट रोटेशन है। हाफ अल्फा की वैल्यू ये रही 3f/2 mr, सो दिस इज 3f/2 mr/t², यहाँ से हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2 × 2 = 4, और ये 2 8 8π mr/3f, ये टी स्क्वायर की वैल्यू आई। अब ट्रांसलेटरी मोशन डिस्कस करते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास कितना ट्रेवल कर गया, दिस डिस्टेंस एस, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है एफ बाय एम, तो जैसे ये इक्वेशन वैसे ही एस इज ut/2 ae², इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी, तो इट इज हाफ at², तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया हाफ, ए सी की वैल्यू है एफ बाय एम, टी स्क्वायर की ये वैल्यू 8π mr/3f, तो इसे सॉल्व किया, एफ कैंसल एम कैंसल, ये 2 और ये 8, तो इट इज 4π r/3, दिस इज द आंसर। एक कंप्लीट रोटेशन जितनी देर में ये कवर करेगा उतनी देर में इसका सी ओ एम आगे 4π r/3 ट्रेवल कर जाएगा। नॉर्मली प्योर रोलिंग के केस में एक रोटेशन जितनी देर में ये होलो स्फेयर कवर करता, अगर ये प्योर रोल कर रहा होता ये 2π r डिस्टेंस कवर करता, तो इन दिस केस इट इज कवरिंग लेसर डिस्टेंस 4π r/3। नाउ वी डिस्कस रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इन दिस केस से दैट ये इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, इस ऑब्जेक्ट कैन बी रिंग, डिस्क, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर और एनी रोलिंग ऑब्जेक्ट। एम जी साइन थीटा फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे आना चाहेगा, अगर फ्रिक्शन ना होता। कभी भी आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता करना है कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, तो यू थिंक लाइक दिस कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मोशन कैसा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये सिंपली स्लाइड करते हुए जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से नीचे आता।
तो कांटेक्ट पॉइंट क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करता, अब फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को हमेशा अपोज करता है, तो इस केस में ये कांटेक्ट पॉइंट नीचे स्किड होना चाहता है, इसलिए फ्रिक्शन अपोज करेगा इस रिलेटिव मोशन को एंड इट विल एक्ट अप एंड से दैट इट इज स्टैटिक। मतलब फ्रिक्शन हेयर म्यू इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो फ्रिक्शन इज सफिशियंट कि इसे स्लाइड ना होने दे, तो अब ये ऑब्जेक्ट प्योर रोल करता हुआ नीचे आएगा। तो इन दिस केस अगेन ट्रांसलेटरी मोशन अगर हम डिस्कस करें, इसके COM का एक्सेलरेशन ढूंढें, तो नेट फोर्स है mg sin थीटा माइनस f, n और mg cos थीटा बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो COM का एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए वी कैन राइट mg sin थीटा माइनस f इज m टाइम्स ac। अगेन सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क खाली इस फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है जो इसे ऐसे घुमाना चाहता है, तो सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां तक का r, तो दिस f इंटू आर इज आई अल्फा, प्योर रोलिंग मोशन है। आई की हम जनरल वैल्यू लिख देते हैं एम के स्क्वायर, वेयर के इज रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट COM, तो इस आई की वैल्यू हमने लिखी एम के स्क्वायर, रिंग के लिए के स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर, डिस्क के लिए आर स्क्वायर बाय टू, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 आर स्क्वायर, ये बाद में आप वैल्यू रख सकते हो। प्योर रोलिंग है तो अल्फा की वैल्यू ए सी बाय आर, तो यहां से हमारे पास एफ की वैल्यू वी आर गेटिंग इट एज एम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर टाइम्स ए सी। ये एफ की वैल्यू आप यहां पे सब्सटीट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो ए सी के लिए, फाइनल एक्सप्रेशन विल बी ए सी इक्वल्स जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस रिजल्ट को आप याद ही रखो क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स में काफ़ी काम आएगा, अगर ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है तभी ये रिजल्ट यूज करोगे, फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि इस ऑब्जेक्ट को स्लिप, इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट को स्किड नहीं होने दे रहा आगे की ओर, ये प्योर रोल करता हुआ नीचे आ रहा है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इस केस में जीरो आएगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दिस केस विल बी जीरो। ये ऑब्जेक्ट अगर प्योर रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, आप इसकी मैकेनिकल एनर्जी को भी कंजर्व कर सकते हो, लॉस इन ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक, और काइनेटिक में दो पार्ट्स ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, उसे भी हम यूज करेंगे लेटर ऑन। फिलहाल ये आप रिजल्ट याद रखोगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आप के की वैल्यू रखते चले जाओ, रिंग डिस्क होलोस्फेयर सॉलिड स्फेयर, आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। नाउ अगला केस देखते हैं कि ये म्यू जो है इस पे क्या कंडीशन होनी चाहिए सो दैट ये ऑब्जेक्ट स्लिप ना करे, डिस्क के केस में सॉल्व करते हैं इसे। तो सपोज दैट क्वेश्चन इज लाइक दिस कि ये डिस्क है, डिस्क के लिए हम के स्क्वायर की वैल्यू यूज करेंगे आर स्क्वायर बाय टू, तो ये डिस्क क्या कंडीशन होनी चाहिए म्यू पे सो दैट ये डिस्क यहां पर स्लिप ना करे, देन इन दिस केस ये ए सी की वैल्यू यूज करके एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम टाइम्स ए सी, ये ए सी की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करके हम एफ ढूंढते हैं पहले कि इस डिस्क को कितना स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहां पे जरूरत है फॉर प्योर रोलिंग मोशन, सो दैट एम जी साइन थीटा माइनस एफ, ये वैल्यू आ रही है एम टाइम्स के स्क्वायर को आई विल सब्सटीट्यूट आर स्क्वायर बाय टू, तो ये वैल्यू आ जाएगी जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 बाय टू, के स्क्वायर की वैल्यू रखी आर स्क्वायर बाय टू, तो यहां से हमारे पास ये रिलेशन आ गया एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज दिस इज 3/2 टू ऊपर जाएगा 2 एम जी साइन थीटा अपॉन 3, तो इसे सिंप्लीफाई किया एफ की वैल्यू आ गई एम जी साइन थीटा अपॉन 3, ये आ गया फ्रिक्शन। मतलब अगर इस डिस्क को प्योर रोल मोशन में नीचे आना है देन इन दैट केस फ्रिक्शन इतना रिक्वायर्ड है। नाउ फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू से छोटी होनी चाहिए तभी फ्रिक्शन प्रोवाइड हो पाएगा फ्रॉम दिस रफ सरफेस, तो दिस वैल्यू शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एन
एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा इस केस में, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी, एम जी कैंसल, टैन थीटा बाय 3 इस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। रिंग के केस में अगर आपको सॉल्व करना है, के स्क्वायर को आर स्क्वायर रखो, ए सी ढूंढो, एफ की वैल्यू ढूंढो एंड लेस देन म्यू एम जी कॉस थीटा। सेम वे यू कैन सॉल्व इट फॉर हॉलो स्फेयर एज वेल एज सॉलिड स्फेयर। अब सपोज दैट इस इंक्लाइन प्लेन पे हमने टॉप से रिंग, डिस्क, होलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर को बारी बारी रिलीज किया, चारों प्योर रोल करते हुए नीचे आए, म्यू इतना सफिशिएंट था कि चारों में से कोई भी स्लिप नहीं कर रहा, तो चारों प्योर रोल करते हुए नीचे आएंगे, के स्क्वायर की जो वैल्यूज हैं रिंग के लिए सबसे बड़ी है दैट इज आर स्क्वायर, फिर बारी आती है होलो स्फेयर 2/3 आर स्क्वायर, फिर बारी आती है डिस्क आर स्क्वायर बाय 2 एंड देन सॉलिड स्फेयर 2/5 आर स्क्वायर। तो अगर आपने इंक्लाइन प्लेन के टॉप से चारों ऑब्जेक्ट्स को बारी बारी सेम हाइट से रिलीज किया तो के की वैल्यू क्योंकि सॉलिड स्फेयर के लिए सबसे कम है तो के सबसे कम तो ए सी सबसे बड़ा, तो सॉलिड स्फेयर सबसे पहले नीचे पहुंचेगा, फिर आएगी बारी डिस्क की, फिर होलो स्फेयर एंड देन रिंग। इस सीक्वेंस में ये नीचे पहुंचेंगे, नीचे पहुंचने पर चारों के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी सी अगर हम चेक करना चाहें कि वी सी किसके लिए सबसे ज्यादा होगी तो फिर वी कैन यूज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला रिलेशन ये यूज कर सकते हैं हम। यहां से u तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो v स्क्वायर आ गया सीधे सीधे 2as, s की वैल्यू चारों ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम है, दिस इज द डिस्टेंस s क्योंकि चारों को हमने सेम हाइट h से रिलीज किया था तो s तो सबके लिए सेम है। सॉलिड स्फेयर के लिए a की वैल्यू सबसे बड़ी है क्योंकि k स्क्वायर सबसे छोटा है, k सबसे छोटा, a सबसे बड़ा है सॉलिड स्फेयर के लिए, तो सॉलिड स्फेयर का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है इसलिए सॉलिड स्फेयर इन दिस केस विल टेक मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन रीचेस एट द बॉटम। और अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो v इक्वल टू ओमेगा r, मान लो चारों का रेडियस सेम है तो रेडियस सबका सेम हो गया, v सबसे ज्यादा सॉलिड स्फेयर तो ओमेगा भी सबसे ज्यादा होगा सॉलिड स्फेयर का, तो सॉलिड स्फेयर के केस में v भी सबसे ज्यादा, ओमेगा भी सबसे ज्यादा, बट काइनेटिक एनर्जी जो आएगी दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये चारों की सेम आएगी बिकॉज चारों की शुरू में एनर्जी सेम थी एम जी एच, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज हो रहा है मैंने पहले भी आपको बताया क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स यहां पे कोई वर्क डन नहीं कर रहा, तो चारों जब नीचे पहुंचेंगे तो ग्रेविटेशनल एनर्जी का ही लॉस कन्वर्ट होगा इस काइनेटिक एनर्जी में, तो एट द बॉटम ऑल फोर ऑब्जेक्ट्स विल हैव सेम टोटल काइनेटिक एनर्जी। स्पीड कैलकुलेट एक तो आप इस मेथड से कर सकते हो, प्योर रोलिंग है, एक एनर्जी कंजर्वेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हो, यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस। Suppose that ये inclined plane, angle of the incline is theta, यहां से हमने object को release किया height h से, ये pure roll करता हुआ नीचे आया, नीचे पहुंचने पर हमें इसकी speed चाहिए in terms of h and theta, pure rolling motion है, इस जगह पर energy mgh, इस जगह पर यह सारी energy हो जाएगी half m v square plus half i omega square, तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन वी राइट एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की वैल्यू से सॉलिड स्क्वायर है ये तो 2/5 एम आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसल, ये वैल्यू आ गई हाफ एम v स्क्वायर प्लस 1/5 m
v square. This is 10 LCM. 7 by 10 mv square equals mgh. M cancel. So v ki value aa gayi under root of 10 gh by 7. तो प्योर रोलिंग मोशन के केस में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करके भी आप ये स्पीड ढूंढ सकते हो. नाउ वी डिस्कस द केस कि अगर यहां पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है अगर ये सफिशिएंट ना होता तो फिर ये ऑब्जेक्ट स्लिप करता. सपोज दैट ये म्यू की वैल्यू इतनी कम है कि डिस्क रिंग होलोस्फेयर सॉलिड स्फेयर चारों स्लिप कर रहे हैं. स्लिप करते हुए फॉरवर्ड स्लिप करेंगे, इस तरह से स्लिपिंग करते हुए थोड़ा थोड़ा घूमेंगे भी, स्किड करते हुए नीचे आएंगे. देन इन दिस केस ये फोर्स आएगा एम जी साइन थीटा, ये फोर्स आएगा म्यू एम जी कॉस थीटा. अब ध्यान से सुनो, प्योर रोलिंग के केस में ये वैल्यू एफ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग थी. सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर जिसको जितना फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट थी स्लिपिंग को रोकने के लिए उतना ही एक्ट कर रहा था. अब इस केस में चारों पर फ्रिक्शन सेम एक्ट कर रहा है क्योंकि ये सफिशिएंट नहीं है. आप ऐसे सोचो कि एक ऑब्जेक्ट को स्लिपिंग रोकने के लिए फ्रिक्शन चाहिए 10 न्यूटन, एक को 12 न्यूटन, एक को 15, एक को 20, बट अभी फ्रिक्शन अवेलेबल ही 8 न्यूटन है तो सब पे ही 8 एक्ट करेगा, यानी चारों के चारों स्लिप करते हुए नीचे आएंगे. तो इन दिस केस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए सी से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी, एम नहीं आएगा यहां पे, दिस इज माइनस म्यू जी कॉस थीटा. यानी चारों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सेम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी चारों की सेम है एस. तो इसलिए अब ये चारों के चारों ऑब्जेक्ट्स अगर स्लिप कर रहे हैं सेम टाइम में नीचे पहुंचेंगे. ए से बी तक आने में जो टाइम लगेगा वो चारों को सेम लगेगा. ओके, सो टी विल बी सेम, तो स्पीड विल बी ऑल्सो बी सेम. आप यूज कर सकते हो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो नीचे पहुंचने पर चारों के COM की वेलोसिटी VC सेम होगी. अगर हम इस ओमेगा को देखना चाहें कि ये क्या सेम होगा या डिफरेंट, तो देखो इधर टॉर्क जो आ रहा है इस केस में दैट इज गिवन ओनली बाय फ्रिक्शन. mg sin थीटा सेंटर से पास हो रहा है, mg cos थीटा भी, नॉर्मल रिएक्शन भी, टॉर्क खाली इसी की वजह से आ रहा है. दैट टॉर्क इज म्यू mg cos थीटा इंटू आर, क्योंकि चारों ऑब्जेक्ट्स पे टॉर्क सेम आएगा. सपोज चारों का रेडियस सेम था तो चारों ऑब्जेक्ट्स पे टॉर्क सेम आ रहा है. जब आप लिखोगे इस टॉर्क को इक्वल्स आई अल्फा, अब आई की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए लीस्ट है 2/5 mr², यानी सॉलिड स्फीयर का अल्फा सबसे ज्यादा होगा. तो फिर सॉलिड स्फीयर अगर हम यूज करें ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के लिए अल्फा सबसे बड़ा. अगेन आई एम रिपीटिंग, टॉर्क सेम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर के लिए लीस्ट, तो अल्फा की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए मैक्सिमम. ओमेगा नॉट तो जीरो है, टाइम सबको सेम लगा है नीचे आने में, अल्फा सॉलिड स्फीयर के लिए सबसे बड़ा है तो सॉलिड स्फीयर की एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी. ओके, तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर रिंग डिस्क, किसका ओमेगा बड़ा है किसका छोटा है, इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो.